सॉरी भाई, आपको लगी तो नहीं, माफ करना, मैंने देखा नहीं। जैसा आपने कहा था, मैंने बॉडी मॉर्चरी में रख दिया सर। गुड इवनिंग ऑल, श्री नंद गोपाल चक्रवर्ती मेरे भाई, इन्होंने पीपल मार्ट कंपनी की स्थापना की और अपने मुनाफे का 50% हिस्सा कॉर्पोरेट स्टाइल स्कूलिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते आए हैं, ये आप सभी जानते हैं। उनकी इसी नेकी की वजह से उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जा रहा है और मुझे उन पर बहुत गर्व है। अब मैं मंच उन्हें सौंपता हूं। Everybody. मैं भी इन्हीं चीजों की फिक्र करता था कि मैं कामयाब क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों सिर्फ नाकामी दिख रही थी। मैं भी बहुत दुखी था, लेकिन आपको पता है मैं कामयाब कैसे बना? बांस के पेड़ देखे हैं? जमीन में बीज बोकर पानी डालने से अगले दिन पेड़ नहीं दिखता, अगले हफ्ते भी देखो कुछ नहीं दिखता, एक महीना कुछ नहीं, एक साल कुछ नहीं, आखिर में 3 साल बाद अंकुर निकलते हैं। फिर जब वो बढ़ने लगता है तो कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है 3 साल जमीन के नीचे क्यों रहता है? क्योंकि उसे जितना ऊपर जाना होता है उतनी ही नीचे उनकी जड़ें जाती हैं। कामयाब होने पर हमें सिर्फ आसमान दिखाई देता है, लेकिन उड़ने से पहले ग्राउंड वर्क करना जरूरी होता है। वो ग्राउंड वर्क ही है जो आपको कामयाब बनाएगा। थैंक यू। इसीलिए मेरा अप्रोच स्टेप बाय स्टेप होता है। मेरे पीपल मार्ट परिवार से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आप सबको यूं ही मेरा परिवार नहीं कहता। मेरी वाकई इच्छा है कि हम सब हमेशा एक परिवार की तरह मिलकर रहें। कैसे होगा मैं नहीं जानता, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूं। आई एम सफरिंग विथ न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। डॉक्टर्स ने मुझे मैक्सिमम 2 महीने दिए हैं। इस परिवार में बड़ा होने के नाते आपको यह बात बताना मेरा फर्ज था। आई एम लिविंग हैप्पीली, I want to die happily. I am living successfully. I want to die successfully.
प्लीज सर बड़ी मेहनत से ये कंपनी खड़ी की है मैंने, 15 साल मेहनत की है मैंने, छोड़ दीजिए सर प्लीज। देखिए देखिए कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए भैया, इसे इसे कहिए ना ऐसा ना करें। इस तरह गिड़गिड़ाने का मन कर रहा है जो राजा खुद को नहीं बचा सकता वो प्रजा को क्या बचाएगा। Am I right? जिसकी जेब खाली होती है उसे पैसे चाहिए, जिसकी जेब भरी हो उसे पावर चाहिए, पावर मिलने के बाद उसे पूरी दुनिया चाहिए। एक छोटी पर प्रॉफिटेबल कंपनी कुंवारी लड़की की तरह होती है, अगर सही वक्त पर उसकी शादी ना हो तो कोई भी भगा कर ले जाएगा। नंद कुमार चक्रवर्ती जिन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है, उन्होंने हमारी पीपल मार्ट कंपनी के 50,000 शेयर्स अपने वर्कर्स को बांट दिए हैं। मेरे पीपल मार्ट परिवार से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन 2 महीनों में सारे शेयर्स कंपनी में काम करने वाले सभी में समान बांटकर तुम सबको मैं अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। यानी इस कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है, मुझे इस एम्पायर को छीन लेना चाहिए। छोटे 2 महीने में आने वाले तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट दू वही सोच रहा था, करेक्ट गिफ्ट मिल गया। कल जब अपन घर पर नहीं था तो बाबूजी ने बताया कि प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करने आया था। किसने टांग रखी बता। मैंने 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 अपने लुके बॉस के सामने खुदकने की जरूरत नहीं है, एक राउंड तुम्हारी धुलाई होगी फिर बोलोगे मैं नहीं था मैं नहीं था मैं नहीं था। अबे लुखो, अगर किसी को माफ करना है बोलना है तो अभी बोल दो, क्योंकि जब हाथ चलता है तो कान को सुनाई नहीं देता। हमारे इलाके में आके हम इसे शांत पट्टी तेरी तो। अभी तो बातचीत कर रहे थे, इसको लैंपट कर डाला, इसमें मेरे को विलन दिखाई दिया। हाँ दिखा तो। इफ आई सी अ विलन इन यू, यू विल सी अ हीरो इन मी। तेरे अंदर का विलन फड़का तो अपन के अंदर का हीरो धड़का। तो जब भी आता है अपन के सामने कोई विलन, नहीं होता उसका पुनर्जन्म। तू और तेरा हीरो दोनों यही मरेंगे। ये लुखे सीख डायलॉग कैसे मारते हैं। लगाना पूरा फिल्मी हीरो। डर गया, हीरो के सामने विलन चिल्लाते नहीं। देखिए भाई, हमारे अंदर से विलन बाहर आता है ना, उसी तरह इनके अंदर से हीरो बाहर आता है, सच कह रहा हूँ। तो क्या तू मुझे चुप करवा रहा है? चुप रहिए, ये जो आपका गुस्सा है ना इसे शांत कर लीजिए, भैया आपको प्यार से समझाएंगे ना, इनके पास हर समस्या का हल है। तेरी प्रॉब्लम क्या है छोटे? मम्मी को दांत चाहिए। तो मैं दांत कहाँ से ला कर दूँ? कल कोई घर आया था, दांत पीस कर बात कर रहा था, मम्मी को वही दांत चाहिए। दांत पीस के बात करते हैं ना, अब आपके ये दांत ले जाएंगे। हंसिए थोड़ा और, अब उधर देखिए। तेरी समस्या क्या है छोटे? गेल सपा तने शू कहूं, मेरा गठबंधन नहीं हुआ। तो क्या मैं तेरी शादी करवा दूं? ये तेरा दलाली का डंडा है। ये मुझे दलाल बोल रहा है रे, मुझे दलाल समझ कर रखा है क्या?
हो गए खुश? मिल गई खुशी? ये मुझे कितना मार रहा है रे? मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना क्लियर आदमी कहीं नहीं देखा, समझे ना? आपको सवाल पूछना नहीं आता है और भैया को दोषी बना रहे हैं। हंसिए, थोड़ा और उस तरफ देखिए। तुमने कहा मैंने धमकी दी है, मैं तो रोज 10-15 को धमकी देता हूँ। अब तुम्हारे पिताजी कौन है मुझे कैसे पता चलेगा भाई? 8 मिनट। हाँ बापू छोड़ा, एक राउंड चाहिए। गयो गयो गयो, इंटरवेल चल रहा है। क्यों रे? मुझे भी दिखाओ। देखना। अबे तू इसका बेटा है क्या? इस घर को हड़पने के लिए तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। भुदक रहा। अंदर का विलन भुदक रहा है। बॉडी के स्टोर रूम में वो ज्यादा टिक नहीं पा रहा है, कुलाटी मार कर बाहर आ रहा है। ए पकड़ रहे। ए राधा, बहुत दिन से बोल रही थी ना मेरे बेटे ने किसी की पिटाई नहीं की, देख देख देख। अरे सुन, तेरे भैया आज फुल एचडी में मारने वाले, जरा आके देख तो सही। वो जो टकला है ना, उसको मेरी तरफ से भी 2 टपली लगा देना, वो भी जोरदार। मम्मी को डराता है, मेरी माँ को डराता है। ए शूट 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 शूट, ऑडियंस सिटी बजाओ। ये क्या कर रही हो माँ जी? अपने बेटे को मत उकसाओ। आपको पता नहीं है कि गुंडों का इंश्योरेंस भी नहीं होता? इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं तो पंगा क्यों लिया? बहुत टेढ़ा आदमी है वो, पहले धुलाई करता है फिर सुखाता भी है। पता नहीं था, मेरा टाइम खराब है। अरे बाप रे, टाइम से याद आया। बेटा तेरे को ऑफिस नहीं जाना है, देर हो जाएगी। अरे धुलाई में बहुत मजा आ रहा था माँ, इसे छोटी सी वार्निंग देकर कल्टी लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। बापू ने एक ही बात सिखाई, जब भी लड़ाई झगड़ा हो बिना सोचे समझे दुश्मन को चीर फाड़ दो। इतना डोज काफी है? काफी है। हंसते हुए बोलिए। काफी है। थोड़ा और। काफी है। खूब हालो। माँ को शिंडी लगा कि वार्निंग दूंगा। वैसा अपन का सिर्फ डायलॉग बोलना फैंस को नहीं जमता। मार धाड़ इज मस्ट। फर्स्ट गलती थी तेरी, साइलेंसर लेकर आया। अगर तूने रिपीट टेलीकास्ट किया तो साइलेंसर नहीं तलवार लेकर आऊंगा। अब सो, जहां जहां साइलेंसर लगा वहां तलवार लगेगी तो क्या होगा? थैंक गॉड मैं तलवार लेकर नहीं आया, वरना गब्बर राज ठाकुर बन जाता। हाथ धोने के काम आते हैं, यूज देम, समझा? हवे हो जाओ। थैंक यू। कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। आनंद कहाँ है? तैयार हो रहा था। वाइजैग में कोई इशू हुआ था सर? वो वाइजैग में हुआ क्या था? हैदराबाद में सर्वे करना, एक ऑफिसर अपॉइंट करना। ऑलरेडी बात हो चुकी है सर, वहाँ सिर्फ कनेक्शन का होगा, आप चाहे तो वेरीफाई करवा दीजिए। कौन हो तुम? तेरे दोस्त को एकड़ पर हमने जैसे ही पैर रखा तो तुमने पूछ लिया कि कौन है हम? 682 स्क्वायर किलोमीटर के इस वाइजाग शहर में तुम आए, हजारों लोगों को नौकरी दी, करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाया और यहाँ के लोगों के नेता से पूछा तक नहीं। तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? प्लीज सर शांत हो जाइए, बैठ कर बातें करते हैं। शुक्र मनाओ कि हम बात करने ही आए हैं, वरना ना तो ये आदमी होते और ना ही तुम जिंदा होते। क्या कह रहे हो, मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले मेरी बात तुम सुनो। जब तक तुम्हारी ये कंपनी यहाँ है, पूरे बिजनेस का 10% हमको मिलना चाहिए। सर, लोगों की मेहनत से कमाए पैसे मैं आपको ऐसे मुफ्त में देकर उनका अपमान कभी नहीं कर सकता। I'm sorry, sir. वहाँ 50 लोग थे और इसने हाथ भी नहीं उठाया तो ये वहाँ से बाहर कैसे निकले? पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, दो इंसानों में जब झगड़ा हो तो पहले हाथ उठाने वाला कॉमन मैन होता है, लेकिन जो टेबल पर बैठकर बातचीत से हल निकाले वो बिजनेसमैन होता है। कंपनी में काम करने वाले गद्दार लोगों में अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो आपकी ही भलाई सोचने वाले कंपनी के मालिक की तरफ आप सब होते, ना कि आपको धोखा देने वाले के साथ। ये सिर्फ आपको खर्चा पानी दे रहा है, तरक्की का लालच देकर आपका इस्तेमाल कर रहा है,
लेकिन आपके बुढ़ापे की सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। जरा सोचो, तुम लोग जो भी कर रहे हो बच्चों के लिए ही ना। कल जब वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे पापा ने 10 लोगों को मारकर फीस भरी। तुम सब ये छोड़कर ईमानदारी से पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा बैकग्राउंड देखकर तुम्हें नौकरी कौन देगा? मैं दूंगा। अगर तुम इज्जत से जीना चाहते हो तो तुम सबको नौकरी देने का भरोसा मैं देता हूँ। रोज सिर्फ 8 घंटे का काम, आधी रात को आने की जरूरत नहीं है। 60 साल की उम्र तक काम करो, उसके बाद तुम्हें कंपनी पेंशन भी देगी। मरते दम तक किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी को डिलीवरी बॉयज चाहिए। इस शहर की हर गली और कोने को तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? सोच कर देखो। रोज तुम लोग गुंडागर्दी करते रहते हो, ना ही इससे तुम्हें खुशी मिलती है ना ही घर वालों को। अगर फिर भी तुम्हें सिर्फ इसकी गुलामी करनी है तो मुझे यहाँ से निकाल कर दिखाओ। तुम लोग खड़े होकर इसकी कहानी क्यों सुन रहे हो? जाओ मारो इसको। एमडी सर आ गए। अरे सुबह ही आ गए थे। अच्छा तुमने लोन के लिए अप्लाई किया था, मिल गया क्या? अगर मैं जल्दी लेता तो खर्च हो जाता ना, इसलिए आज अप्लाई किया। 15 दिन में लोन सैंक्शन, 1 महीने में शादी, लाइफ सेट समझो। बढ़िया प्लान है तुम्हारा। आपको एमडी सर ने बुलाया। लगता है लोन सैंक्शन हो गया, मिलकर कटिंग चाय पी लाऊंगा। लोन सैंक्शन करने के लिए थैंक्स सर जी। आज झगड़ा किया गया? यस सर। मुझे भी अंदर का हीरो देखना है। समझा नहीं सर। टर्मिनेशन लेटर। क्यों सर? तुम जैसे मार कर आए उसका डर तुम्हें नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन मुझे है सर। वो वापस आएगा तो मारोगे उसे? बहुत कसके। मैं नहीं मार सकता, इसलिए 3 लोग मेरे पे डिपेंड है और मुझ पर ऑफिस के 300 लोग डिपेंड है। खड़ूस कहीं का। कहना क्या चाहते हो? तुम्हें निकाल कर मैं हीरो बन जाऊंगा। तुम खुद जाओगे तो तुम हीरो। जरा अपने अंदर का हीरो तो दिखाओ। तुम जैसों की वजह से कंपनी नहीं चलती। तुम मैनेजर कम डैमेजर ज्यादा लगते हो।
बैठे बैठे चर्बी चढ़ गई है, टाइम खराब कर दिया। केबिन में कोई और तो नहीं है? परसों मुंह दिखाई के वक्त पापा ने कहा था शादी धूमधाम से करेंगे, उन्होंने अचानक कहा तो मैं उन्हें रोक नहीं पाया। आपको एतराज ना हो तो मैं भी इस शादी के लिए कुछ पैसे देना चाहता हूँ। टेंशन मत लो जमाई कुमार, तुम्हारे साले ने सब अरेंजमेंट कर दिया है, शादी धूमधाम से होगी, मेरी गारंटी है ना? अच्छा तो तैयारी कर ली, ठीक है तो मैं चलता हूँ। पहले बाय। आओ जो जमाई राज। अच्छा मैं चलता हूँ। मैंने बोल दिया शादी धूमधाम से होगी। ऑफिस से विदाई हो चुकी है, शादी का पता नहीं। हाँ, मतलब ऑफिस से निकाल दिया, अब क्या करेगा? जिंदगी पड़ी है, सोचूंगा। मैंने मैनेजर से बात की है, फिलहाल तो कोई नौकरी नहीं है, मगर होगी तो भी 6 महीने प्रोबेशन। अभी तो तू अच्छी खबर दिया कर, 1 महीने के अंदर जॉब ढूंढ लेना, क्योंकि जब तक सैलरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी घंटा कोई लोन नहीं देने वाला, और वैसे भी बिना नौकरी के कोई किसी को 10 लाख का लोन भला क्यों देगा यार। 1 महीने में जॉब मिलना तो सर अगर आपके बाद आनंद जी सीईओ बनेंगे तो अच्छा होगा सर। संजय आनंद सीईओ बनना ही नहीं चाहता, तो क्यों बकवास कर रहे हो? भैया मेरे लड़के को सीईओ बनाना चाहते हैं, अमेरिका भेज के वहां से एमबीए करवा रहे हैं, है ना भैया? हमारे कंपनी का सीईओ विक्रम ही बनेगा चाचा, वैसे वो अमेरिका से आ कब रहा है? भैया बोलेंगे तो कल सुबह बुलवा लेता हूँ। लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है पापा, शी इज ब्यूटीफुल। उसके पापा से बात करूं क्या? बोलो पापा। सुन, मेरे पास सिर्फ 2 महीने। पापा ने दवाई नहीं। शादी देखे बगैर ही चला जाऊं क्या? आप भी क्या पापा, 1 महीने बाद आपका जन्मदिन है, और उस दिन तक वाइजैक फैक्ट्री में हजारों लोगों को नौकरी देनी है, हजारों परिवारों को खुशियां मिलेंगी, वही होगा मेरा बर्थडे गिफ्ट, फिर खुद का सोचूंगा। क्या दवाई लीजिए पापा। 1 महीने में हजारों को नौकरियां, मुश्किल है। हेलो, फर्स्ट टाइम? सो मेनी टाइम्स। ये इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो भैया, मैं प्रतीक के साथ बाहर कॉफी पीने आई हूँ। शादी से पहले गुलछरे उड़ा रही हो? सॉरी ब्रदर, सॉरी सॉरी। हेलो भैया, तुम दोनों अकेले में कुछ भी करते हो और टेंशन मेरे को होती है, कितनी बार तेरे को समझाने का बेन, अकेली काय को गई तू? मेरी दोस्त भी साथ में है भैया, सोच रही थी आप भी आ जाते तो अच्छा होता। इंटरव्यू के लिए आया हूँ, बाद में फोन करता हूँ। फोन मुक, फोन मुक। मुझे ये बताइए आपको पिछली नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? एक्सक्यूज मी सर। हेलो, इंटरव्यू चल रहा है, खत्म होते ही फोन करता हूँ तेरे को। मिस्टर सिस्टर, आपको पिछली नौकरी से क्यों निकाला गया बताइए। सॉरी सर, कट करता हूँ, कट करता हूँ। इसी वजह से आपको पिछली नौकरी से निकाला होगा। सर आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, डिटेक्टिव बन जाइए, फ्यूचर काफी ब्राइट है। नौकरी नहीं चाहिए, रिज्यूमे दे। दो कौड़ी की नौकरी तेरी। सुबू कहाँ है? मैं सुबू की फ्रेंड हूँ। ओह, गरीबों को खाना खिलाने के लिए मैं कार से उतरी तो इन लोगों ने मुझे घेर लिया। पापा को फोन करने वाली थी, तब पता चला कि मेरा और सुबू का फोन एक्सचेंज हो गया है। ओके ओके, आई लीव, यू गाइस कैरी ऑन, बाय बाय। ओह, रिसेंटली डायल में भैया का नंबर था, सोचा भैया तो मुझे किसी भी प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, इसलिए मैंने मैसेज किया। भैया प्रॉब्लम में हूँ, ऐसा मैसेज तूने लिखा था? मोटा भाई, इस लड़की को मैं नहीं जानता हूँ, सो प्लीज कैरी ऑन। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अपन को वैलेंटाइन डे के अलावा कुछ नहीं पता। अरे कहाँ जा रहे हो? शक्ल अच्छी है, हाइट अच्छी है, फिगर अच्छी है, लेकिन दिमाग से एकदम पैदल हो। मेरे को भैया काय को बोला? सुंदर लड़की हैंडसम लड़के को भैया बोले, ये अन्याय है। इतनी सी बात पर मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम उसी नंबर से फोन करो और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, आके मुझे बचा लो, ऐसा मैसेज भेजो, लाइव लोकेशन व्हाट्सएप करो, तभी मैं आऊंगा। हेलो, क्या रे, बहुत हीरो बन रहा है तू, दिखाऊं क्या तुझे? वो तो अपन पैदाइशी है, तेरे को कोई शक है? इधर का हीरो अपुन है। ए, कौन छे, कौन है, कौन रे, किसने इस लुके को मेरा डायलॉग दिया? ए, तूने मैसेज किया कि नहीं? ए, कंफर्म हो गया, अपन टांग नहीं अड़ाएगा, अपन जा रहे हैं। हेलो रुको। ए, वो तो चला गया, अब अपुन क्या करे बताओ? डार्लिंग मैं प्रॉब्लम में हूँ, जल्दी आकर मुझे बचा लो। नहीं आऊंगा मैं, नहीं आऊंगा। प्लीज ना मेरे प्यारे बाबू, मेरे सोना, मुझे बचा लो ना।
कौन है तू? कहाँ से टपका तू? मरने का है क्या? इंटरव्यू देने तो मैं गया था, लेकिन सवाल तू ज्यादा पूछ रहा है। ए, पता है तेरे को मैं कौन हूँ? जानता है अब उनके पीछे कितने लोग हैं? जीरो से भी कम, सारे कट लिए। जाने दो ने, अब उनको टच किया तो कौन आएगा पता है क्या? एम्बुलेंस लेकर ड्राइवर आएगा। अब उनको हल्के में ले रहा है, उंगली भी लगाई ना तो बांगुर नगर का बादशाह इधर आएगा, फिर बादशाह ऐसा मसलेगा तेरे को। ये बादशाह कौन है? तू बादशाह को नहीं जानता? बादशाह यहाँ का भाई है वो। सवाल का जवाब देना, बादशाह को मारा तो कौन आएगा? बादशाह को मारा तो कुर्ला का शरीफ खान आएगा, उसको अफजल खान का पोता बोलते हैं। अच्छा, और कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा? कुर्ला के शरीफ खान को मारेगा? अबे तू शरीफ खान को मारेगा? अरे अरे पागल है क्या तुझे पता? तेरी ओवर एक्टिंग बंद कर, कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा बताना? शरीफ को मारा तो मुंबई का राजू कोबरा है, अक्की कंट्री में उसका मुकाबला ही नहीं है। मरी गयो, कल्टी लेनी चाहिए। देख रहा डार्लिंग, भाई का नाम लेते ही कांपने लगा। तू समझा नहीं, मैंने सोचा टाइम पास क्यों करूं, सीधा जाकर मुमरा के कोबरे को पीटता हूं। भाई कसा का है? हां ए फुलझड़ी बैठ ना। कौन है वे तू? क्या चाहिए तेरे को? थोड़ा मारने का था। खाना खाने के टाइम में तू यहाँ मारने की बात कर रहा? चल ये बता किसको मारेगा तू? आपको मारूंगा भाऊ। मेरे से मजाक कर रहे? नो मजाक, सच में दूंगा। मेरे को क्यों मारना रे? आपका फुंतरू मेरी वाली को छेड़ रहा था। अरे अगर वो तेरी छमिया को छेड़ रहा है तो तू उसको जाके मारना, मेरे को क्यों मार रहा है तू? हाँ इसको मारता तो बांगुर नगर का बादशाह आएगा बोला। अगर डेरिंग है तो बांगुर नगर के बादशाह को मारना। मियां बादशाह को मारता तो कुर्ला का शरीफ आएगा बोला। अगर तू एक बाप का है तो कुर्ला के शरीफ को मार के दिखाना। उसको मारा तो मुमरा का कोबरा आएगा बोला। अरे इतना दम है तो मुमरा के कोबरा को मार के दिखाना। वही तो करने आया हूँ ना। पूरे शहर की मेरे से फटी है, तू साला यहाँ आके मेरी फाड़ रहा है क्या? पा, 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 पा। बहुत खुजली हो रही है। कच्चा लिंबो समझाओ तो कॉमेडी कर रहा है तू पहलवान। ये कोबरा का सांड होना, हिम्मत है तो इससे लड़के दिखा। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। यो मिया, फटे ना। इनको मारूंगा तो नाम खराब होगा। आपको मारने का मन बना के आया हूँ। सुनो, खाना खत्म होने से पहले ये खत्म हो जाना मांगता। शेर जब तक शांत है तब तक ठीक है, लेकिन अगर शेर को छेड़ेगा तो। डायलॉग आधे में मत छोड़, पूरा कर। तेरे जैसे विलन के लिए 100 ग्राम की वार्निंग भी पूरी में बांध के दूंगा ना तो काफी है। कोबरा निकलू? निकल। ए, चिल्लाता है। निकलो मेरे भाई। जाओ, वापस मत आना। सखुबाई सला निगोया, चलिए चल जाइए। हेलो, रुको। अरे सुनो ना, वहाँ उन लोगों ने मुझे छेड़ा था तो यहाँ इन लोगों को क्यों मारा? मेरे इन कातिलाना आँखों के व्हाट्सएप पर तेरी डीपी छप चुकी है। क्या मतलब? नाउ काय गर्ल? प्रणवी। बेबी प्रणवी, आई लव यू सो मच। सिर्फ नाम जानकर किसी से प्यार हो जाता है क्या? दुनिया में कितने लोग हैं जो बिना शक्ल देखे शादी कर लेते? मैंने तो सिर्फ आई लव यू बोला। पहले हम अजनबी थे, अब जान पहचान हो चुकी है। तो कुंडली बताऊं? मेरा नाम स्वामी है। पहले मेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है। पति परमेश्वर के ना लुक्स है ना ही लक्षण, लेकिन बंदा बुरा नहीं है। आवारा लड़कों जैसे मेरे में ऐसे कोई भी गुण नहीं है। पहली बार तुम्हें देखते ही मेरे दिल में गिटार बजी, ऐसा नहीं कहूँगा। एक लड़की से बेपनाह प्यार किया था, लेकिन पैसे वाला लड़का मिलते ही उसके साथ निकल पड़ी। उसके बाद बड़ी गैप आ गई। वैसे मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है, रोज शाम को 2 पैक मारने की आदत है। फेफड़े बुरा ना माने इसलिए।
बीड़ी पीता हूँ। आज कंपनी दोगी? छी छी? नहीं पीती। ओ माँ। और एक बात सुनो, 1800 स्क्वायर फीट का घर, 21 इंच का टीवी, सिंगल डोर फ्रिज और एक टू व्हीलर, ससुराल में ये सब है। बात ससुराल तक भी पहुँच गई? मैंने तो उससे आगे की सोच ली है। हम दोनों की दो बेटियाँ भी हैं। डिलीवरी के बाद तुम मोटी हो गई हो, शेप बिगड़ गया है। हम जॉगिंग करने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे, मैंने बहुत आगे की सोच ली है। इसलिए शादी कब करनी है ये सोचो, और हनीमून पर कहाँ जाना है ये मुझे बता देना, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी जल्दी घर जाओ। अरे दिमाग पे इतना जोर मत डालो, घर जाके शैम्पू से बाल धो लेना, डैंड्रफ निकल जाएंगे। इतने दिनों बाद हमें मिलने का मौका मिला। बाम्बू का पेड़ और उसकी जड़ स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ। शॉर्टकट लेकर ऊपर जाना चाहता हूँ। हर बार कछुए की तरह धीरे धीरे तो नहीं जा सकते ना। इसीलिए अगले 5 सालों में जो कंपनी टॉप 5 में जगह बना सकती है उसी को मैं दुगने दाम देके खरीद लेता हूँ। आपके होते हुए मैं इस कंपनी को कभी नहीं खरीदना चाहूंगा, लेकिन जब आपने कहा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं तो सोचा इसे खरीद लिया जाए। जो कंपनी अच्छी लगती है उसे मैं 4 ऑप्शंस देता हूं। नंबर 1, मांगने पे मिल जाए तो दान। नंबर 2, सौदा करके खरीद लिया उसे तो बिजनेस। 3, ब्लैकमेल करके लो तो दादागिरी। नंबर 4, मार कर छीन लो तो सियासत। इसे कहते हैं जंगल राज। अकलमंद लोग पहले 2 ऑप्शंस चुनते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट ऑप्शन। आपकी ये कंपनी मुझे चाहिए। इस कंपनी को खरीदने के लिए ये रहा मेरा ऑफर। Hey, I don't think this is a bad number. I'm not for sale. जंगल के शेर पर कोई नियम लागू नहीं होता। अगर शेर को भूख लगती है वो खा जाता है, जब उसे भूख लगती है वो शिकार करता है। I'm hungry. बाकी तो ऑप्शंस का सामना करने के लिए तैयार रहो। परसों एक और बात कही थी, आई एम लिविंग सक्सेसफुली, आई वॉन्ट टू डाई सक्सेसफुली, यही ना? यू माइट बी लिविंग सक्सेसफुली बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई सक्सेसफुली, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच हम खड़े हैं। चलता हूं। ये बात आनंद को पता ना चले, मैं नहीं चाहता कि वो इस झगड़े में शामिल हो। कहाँ जा रही हो सच धज के? पापा ने कहा कि कहीं बाहर जाना है, तैयार हो जाओ। ओह, आपको एक बात बतानी। आओ। क्या हुआ? आओ ना, बैठो। बता दो। कल एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। दामाजी हैंडसम है या ठीक ठाक है? हैंडसम है। दामाजी गुड बॉय है या बैड बॉय? बैड बॉय। दामाजी यंग है या मिडिल एज? मिडिल एज। दामाजी सेटल्ड है या स्ट्रगलिंग? नहीं पता। उसे दामाजी क्यों बुला रही हो? ये सवाल तुम्हें पहली बार में ही पूछ लेना चाहिए था, अब क्यों पूछ रही हो? मैं समझ गई कि तुमने मन बना लिया है। लड़का सेटल्ड है तो तुम भी सेटल हो जाओ। अगर वो स्ट्रगलर है तो पापा नहीं मानेंगे। वो मार सकते हैं पर मान नहीं सकते। माँ जबरदस्ती पापा को विलन क्यों बना रही हो? अच्छा, हम 25 साल से साथ रह रहे हैं और तू मुझे बताएगी कि तेरे पापा हीरो हैं या विलेन हैं? प्रणवी। जा, पापा बुला रहे हैं। बेटी चलो चले क्या? हाँ। मेरी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी बिल्कुल मुझ पर गई है। या तो वो लक्ष्मी है या तो आप पर गई है, कोई एक बात फाइनल करो, कंफ्यूज मत करो। ए,
ड्राइवर की तरह रहना। ए मालिक है ना तो मालिक। अच्छे मालिक हो इसलिए मुझे बहुत पसंद हो। हम चले क्या? पापा जाना कहाँ है? सरप्राइज। चलो 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 जल्दी चलो चलो आओ। एक दिन लड़की भी बोलेगी सरप्राइज तब आएगा मालिक को मजा। पापा कहाँ लेकर आए हैं? तुम्हें एक लड़के से मिलवाना था। हाँ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है मैंने तुम्हारे लिए फाइनल कर दिया। उसे बात करनी है तुमसे। आओ। पापा मुझे बताए बिना ऐसे कैसे ले आए? सरप्राइज बताए नहीं जाते। आपकी बेटी एक लड़का लेकर सरप्राइज बोलेगी तो चलेगा क्या? जब से तुम्हें रखा है मेरे अच्छे दिन चल रहे इसलिए तुम टिके हुए हो। मैंने नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं आपका क्या होगा। सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। पैंट में बम डाल दूंगा। उसको बोलो वो डरेगा। चल जा गाड़ी में जाके बैठ। मुझको डराने चले दे। ए, तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद आएगा क्या वो मैं नहीं जानता? अरे पहले लड़के को देख तो लो। चलो 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 देखो वहां देखो। आजा। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक हूँ। हाय। इनके पिताजी और मैं अच्छे दोस्त। कब से इस रिश्ते के बारे में सोच रहा था। आज जाके मिलवाने का मौका मिला है। आपने पहले से ही सोच लिया था? मुझे तो पहले से पता था। आप दोनों बात कीजिए प्लीज। चलेगा। मैं जरा आता हूँ। तुम यहाँ इसी ऑफिस में काम करते हो क्या? दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना कितना क्लीशेड है ना। दोस्ती रिश्तेदारी। ओ हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। तुम्हें ये पता था इसलिए आए थे? मैं पहले हर चीज पता करता हूँ। और क्या पता है? नाम प्रणवी है। क्वालिफिकेशन बीटेक। फेवरेट प्लेस लद्दाख। पहाड़ पसंद है। पानी से डरती हो। मंगेश वड़ा पाव की मिर्ची भाजी। ढाबे की मटन बिरयानी। मोहम्मद अली रोड पर पाया सू। बेस्ट फ्रेंड भानु। गुस्सा आया तो चार दिन बातचीत बंद। गुच्चे के कपड़े। स्वरोस्की की वॉचेस। फेवरेट कलर ब्लू। फेवरेट मूवी थ्री इडियट्स। फेवरेट सॉन्ग अभी ना जाओ छोड़ के। ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन मिलता है भूखे गरीबों को खाना खिलाकर। इतना काफी है या और भी बताओ? ये सब तुम्हें कैसे पता? बिजनेस का एक उसूल है। सब कुछ पता करो फिर आगे बढ़ो। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? ये जानकारी मुझे किसी और के जरिए पता चली लेकिन लड़की का फोन नंबर उसी से पूछना चाहिए। 96 वन सेकेंड या 96031047622। परफेक्ट। आई टेक्स्ट यू। हाँ पापा। आनंद लड़की अच्छी है? हाँ अच्छी है। तो उसके पापा से बात कर लूँ? नहीं पापा पहले वो लड़की मुझे तो पसंद कर ले। मुझे और टेंशन मत दो। पापा शादी तो उसी से होगी। ओके। क्या हुआ? मैंने आपको जिस लड़के के बारे में बताया था पापा मुझे उसी लड़के से मिलवाने ले गए। उसने मेरे बारे में कितना कुछ पता कर लिया। अब मुझे और अच्छा लगने लगा। अच्छा? हेलो पंडित जी लड़की की शादी करवानी है। सगाई और शादी का मुहूर्त बता दो। देख लिया पापा को विलेन समझ रही थी ना। अब बताइए वो क्या है? हीरो है वो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तो दाल ही सड़ीली लग रही है ना। बकवास मत करो। आपको पापा के बारे में कितनी गलत फहमी है माँ। मैसेज करते वक्त मैं प्यारे लिखती हूँ तो पता है ऑटो करेक्ट होके पापा आ जाता है। इतने प्यारे है देखा ऐसे हैं पापा। अच्छा। वन मिनट। हेलो। मैंने सुना तुम मेरे भैया से मिली और उन्होंने तुम्हें गुंडों से भी बचाया और तो और तुम्हें प्रपोज भी कर दिया। हाँ मुझे क्यों नहीं बताया? बताना था लेकिन तभी। अच्छा ठीक है मत बताओ मुझे। लेकिन हाँ या ना जो भी है उसे बता देना। यहाँ तुम्हारी याद में तड़प रहा है। आज सुबह ही उसके ऑफिस में जाकर मैंने उसे हाँ कह तो दिया। क्या तुम उसके ऑफिस में गई थी? एक हफ्ते पहले ही उसकी नौकरी चली गई। अरे नहीं
तुझे पता नहीं पर मेरे पापा और तेरे पापा फ्रेंड्स हैं। मेरे पापा को रिटायर हुए 6 साल हो गए। घर पर ही रहते हैं वो, उनका कोई दोस्त नहीं है। किसकी बात कर रही है तू? तेरे जाने के बाद तुझसे बात करने के लिए मुझसे नंबर मांग रहा था वो। उसे नंबर दूं या ना दूं? ठीक है, दे दे। ओके। पापा? एक बार शादी होने दो, फिर देखते पैसे। पापा, उसका नाम क्या है? नाम मुझे बगैर ही हाँ बोल दिया। आनंद चक्रवर्ती। मैं हूँ स्वामी। वो करता क्या है? हम अभी पीपल मार्ट कंपनी में गए थे ना, वो वहाँ सीईओ बनने वाला है। पहले मेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है। हाँ हेलो सर, बैंक में अकाउंट खोल दो, पैसे बाद में डाल दूंगा। छोड़ना, जो पसंद है उसी से शादी हो रही है ना। मैं आपको एक बात बतानी है, मैंने जिसे देखा और पापा ने जिससे मिलवाया दोनों अलग हैं। तूने कहा वही है? एक जैसे ही है ना माँ। हाँ? एक मेरी फ्रेंड का भाई है स्वामी, ये देखो, और दूसरा पापा के फ्रेंड का बेटा आनंद चक्रवर्ती। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? अब मैं क्या करूं? जाने से पहले तुझे स्वामी पसंद था, आने के बाद तुझे आनंद पसंद आ गया। मतलब तुझे दो लड़के पसंद है? उन दोनों को भी तू पसंद है क्या? अब मैं क्या करूं माँ? दोनों से बात कर और तू ही फैसला कर, जो भी ज्यादा पसंद आएगा उसे चुन लेंगे। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना?
मैंने ठान लिया तो मैं उसके ओनर को उसी की कंपनी से हकाल देता हूँ। तेरे जैसे दो कौड़ी के आदमी को पार्टनर कैसे बनाऊंगा? हम वैजाग का एक सेमेले हैं। पूरा का पूरा वैजाग हमारी मुट्ठी में है। इस एक सेमेले से टक्कर लेने वाला बच नहीं सकता। लेकिन तेरी गर्दन मेरे हाथ में, ये तू नहीं जानता क्या? क्या तुझे नहीं पता था कि ये एक्स एम एल ए है? कितनी गंदी गोली है। थू। अरे अथर्व, बोला एक्स एम एल ए से टक्कर लेने वाला बच नहीं सकता। पता नहीं ये एम एल ए अपने आप को क्या समझते हैं यार। हेलो चक्रवर्ती। यस, हेलो। बेटे के बर्थडे पर उसे आपकी कंपनी गिफ्ट में देना चाहता हूँ। बेटे के बर्थडे पर आपको तो आना ही पड़ेगा। और हाँ, कंपनी के कागजात बना लेना। और हाँ, वाइजाग में नया ब्रांच खोल रहे थे ना, जब वो खुल जाए तो बता देना। उसे भी ऑक्यूपाई करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। आप अपनी कंपनी के सीईओ तब तक हैं वाइजाग ब्रांच जब तक ओपन नहीं हो जाती। आई एम हंग्री। संजय, वाइजाग ब्रांच का स्टेटस क्या है? सर वो एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, काफी डिले चल रहा है सर। संजय, मैन पावर बढ़ा दो, इक्विपमेंट्स भी बढ़ा सकते हो, मुझे डिले नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ओके सर। तो दोनों में से कौन पसंद आया? किसे हाँ कहूँ माँ? तू जिसे हाँ कहेगी उसे जितनी खुशी होगी उससे 100 गुना दुख उसे होगा जिसे तू ना कहेगी। लड़की हाँ बोलने में देर करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ना बोलने में देर नहीं करनी चाहिए। तू जिस लड़के को भी ना कहना चाहती है उसे कल सुबह ही जाकर कह दे। शादी करके दूसरे घर जाते वक्त एक लड़की को दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाल ही में मेरी किसी से मुलाकात हुई और उसकी वजह से मैंने सोचा भूख जैसी समस्या का भी हल निकालना चाहिए। इस धरती पर 7 में से 1 इंसान भूखा सो रहा है। उन 7 में से हम नहीं हैं इस बात की खुशी तो होगी, लेकिन ऐसे 6 लोग मिलकर उस बेचारे की भूख भी ना मिटा पाए तो ऐसी जिंदगी हमारे किस काम की। कुछ लोग खाना डोनेट करना चाहते हैं लेकिन कहाँ करें नहीं जानते। जो भूखे सोते हैं वो भी नहीं जानते कि किससे मांगे। दोनों की समस्या का हल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये फूड बैंक। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपके घरों में जब भी कोई पार्टीज हो, फंक्शंस हो, होटल में बचा हुआ खाना हो, उसे अपने पास की ऐसी फूड बैंक में रखवा दीजिए जिससे भूखे लोगों को खाना मिल सके। ये तालियां, ये इज्जत मुझे नहीं, मेरे दोस्त प्रणवी को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आइडिया उसी का है। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। लगता है अपने पापा को हार्ट अटैक से मार ही डाली। प्रणवी? आजा। कौन छे? आपकी बेटी की दोस्त है और आपके बेटे की बोल दिया। मेरे बेटे को हाँ बोल दिया ना? नहीं। तो भी इधर हाँ बोलने के लिए आई हूँ अभी। और सर माओ मत बोल दो ना। सीधे मत बोलना, बात को ना जलेबी की तरह घुमाना, उसके बाद फिर बोला। मैं अभी आती हूँ। माँ, मेरी प्यारी मम्मी, जिंदगी में टाइम बहुत कम है, वैसे ही काफी देर हो रही है। शादी होने के बाद बेडरूम में क्या होता है कुछ दिनों में वो भी भूल जाऊंगा। ये जैसे ही हाँ बोलेगी सारी इंग्लिश फिल्में फिर से देखूंगा। चुप बैठने। उसने कहा इसीलिए नहीं कह रही हूँ, वैसे भी देर तो काफी हो चुकी है। इसके हाँ बोलने के बाद हमें भी तो हाँ बोलना है, इसके लिए लेट मत करना। आपको हाँ बोलूं?
अरे हम तुमसे प्यार नहीं करते, हमें हाँ नहीं बोलोगी? आप भी प्यार करती हैं? अभी देखो, बताओ प्यार किसके लिए करते हैं? अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी शादी होने के बाद कोई झगड़ा वगड़ा न हो और हम सब मिल कर रहे, इसके लिए उससे ज्यादा हमें तुमसे प्यार करना पड़ेगा। अभी इसका क्या है, शादी हो जाएगी, उसके बाद सुबह उठकर ऑफिस चला जाएगा, रात को थक के घर पे आएगा और कुछ देर के बाद सो जाएगा। तुमको अभी हर दिन इसके साथ 3-4 घंटे ही बिताने हैं, इसके लिए इससे थोड़ा सा ही प्यार करोगी तो चलेगा, लेकिन सुबह से लेकर रात तक सोचो किसके साथ ज्यादा रहोगी। अभी लव मैरिज की बात तो क्या है, लड़कियाँ शिकायत करती हैं कि पति तो बहुत अच्छा है पर मेरे सास ससुर दिमाग खाते हैं, उनसे मेरी नहीं जमती। देखो बेटी, तुम इसको कब हाँ बोलोगी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है कि मैं तो तुम्हें अभी ही हाँ बोलती हूँ। लव यू सो मच बहुरानी। आई लव यू भाभी। आई लव यू बहुरानी। आई लव यू मोर प्रणवी बेबे। ये घर है या किसी सीरियल का सेट है? कितना ड्रामा करते हैं ये लोग, अब भी देखता हूँ इनको। बोलो। आपकी बेटी का विवाह संपन्न हुआ, बारातियों को पनीर पसंद आया, आम रस तो लोगों ने मांग मांग कर खाया। अरे तेरा दिमाग घूम गया है क्या, मेरी बेटी की शादी कब हुई? यहाँ आपकी लड़की किसी के साथ घूम रही है, हीरोइन में शर्मा जाए, ऐसी ओवर एक्टिंग चल रही है यहाँ। आप इसी तरह सोते रहे तो किसी दिन आपको ऐसा ही फोन आएगा कि विवाह संपन्न हुआ, पनीर बढ़िया था। कौन है वो? परिवार के तो दो वक्त के रोटी के भी वांदे, कौन है क्या फर्क पड़ता है सर, आप आके मार दो। अभी के अभी, अभी के अभी आता हूँ और सबको खत्म कर देता हूँ। जल्दी आओ सर। स्वामी के पप्पा ने जो मुझे सबसे महंगी साड़ी दी थी ना, मैं वही तुम्हें दे रही हूँ। पता है क्यों बेटी? क्योंकि शादी के बाद ये साड़ी फिर से मेरी ही अलमारी में जाएगी। महालक्ष्मी जैसी हो, ये लो बहुरानी, अच्छे से पहनना। और दूसरी, तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं? अरे पपिया झपिया, इतना प्यार मुझे भी नहीं मिला, कभी नहीं। अरे इस गरीब को भी मौका दो। सर, सैल्यूट का अचार डालू क्या? क्या हो रहा है यहाँ पर? बाहर निकाल उसको। ए, खड़े खड़े क्या कर रहा है? शूट हिम, बिल्डिंग उड़ा दो, कोई बचना नहीं चाहिए। सर आपकी बेटी तो अंदर है सर। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, रुको रुको रुको। ओह माय गॉड, मेरी बेटी अंदर है, लफड़ा हो जाता था। मेरी बेटी अंदर क्यों है? देख कर रहे, अनाउंस कर, आवाज दे। मिस्टर स्वामी, रमेश रेड्डी की बेटी को बाहर भेज दो, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। मारो उसको। पापा, रुक जाओ, हथियार नीचे, रुक जाओ। सर आप यहाँ क्या मालिक, दुश्मन के सामने हाथ जोड़ रहे हो? अरे ये दुश्मन थोड़ी है, तुम क्या समझोगे, इनके सामने खड़े रहने की औकात नहीं तेरी। मेरी बेटी इस गरीब बस्ती में नहीं, आपके साथ साक्षात कुबेर के साथ थी, ये मुझे पता ही नहीं चला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। आप ऐसा मत कहिए। अगर आप वाकई मेरी बेटी से प्यार करते हो तो नहीं रुकूंगा, रास्ते पर इकड़े शादी कर देता हूँ तुम दोनों की। इतनी जल्दी शादी होगी ऐसा सोचा नहीं था मैंने। इसने कहा मुझसे प्यार करती है, मैंने कहा पहले पापा से तो पूछना पड़ेगा ना, तभी आप। मेरी बेटी आपको चाहती है सर, आप मान जाइए सर प्लीज। देखिए मुझे माफ कर दीजिए रमेश जी, बहन की शादी से पहले मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता हूँ, चलता हूँ। आपकी बहन भी है? आपको कोई शक है इस बारे में? आप कौन है? मेरे पापा। इसके पिताजी कोई और थे क्या? इसके पापा कौन है वो आप बताएंगे।
आपका नाम क्या है? नाम पता किए बिना शादी करवा रहे थे स्वामी। काम धंधा क्या करते हो? जॉब था, निकाल दिया, अब आवारा गर्दी करता हूँ। अब वैसे आप क्या करते हैं? आज सुबह से तो बेइज्जती ही करवा रहे हैं। चलो अरे बाप रे, मेरा बेटा बहुत चालू है। छोड़ गई छोड़ गई कल तू मेरे पास प्यार का रुमाल, अरे इस पे लगा रंग तेरे होठों वाला लाल लाल। छोड़ गई कल तू मेरे पास प्यार का रुमाल, इस पे लगा रंग तेरे होठों वाला लाल लाल। तूने मुझे देखा तो जिया मेरा धड़का, शोला तेरी चाहत का यहाँ वहाँ भड़का, तुझसे मिलने को ये दीवाना दिल तड़पा। छोड़ गई अरे रे रे छोड़ गई, छोड़ गई कल मैं तेरे पास प्यार का रुमाल, इस पे लगा रंग तेरे होठों वाला लाल लाल। तेरी हुई मैं, मेरा हुआ तू, आजा करे मिलके अब ये सिलसिला शुरू। तेरी नजर को मेरी आरजू, बड़े दिनों से थी मुझे तेरी जुस्तजू। तू है मेरा जान जिगर, तू मेरा जानू, तुझे कभी जान तुझे जिंदगी मानू। तेरे लिए खाक गली गली की जानू, छोड़ू ना मैं साथ तेरा तेरे संग जीने मरने की कसम खा ले। छोड़ गई अरे रे रे छोड़ गई, छोड़ गई कल मैं तेरे पास प्यार का रुमाल, छोड़ गई कल तू मेरे पास प्यार का रुमाल। तू भी मुझे देखे और मैं तुझे भी देखूं। ए तेरे नशे में डूबा रहूं मैं, हाल मेरा कैसा है ये कैसे कहूं मैं। अब न कहीं चैन मुझे आए तेरे दिल, तेरे ख्यालों में कटे अब तो मेरे दिल। तेरे बिना जीना मेरा अब नहीं मुमकिन, खाई है कसम तेरी और जाने मन चाहूंगा तुझे सुबह शाम रात दिन। छोड़ गई अरे रे रे छोड़ गई, छोड़ गई कल मैं तेरे पास प्यार का रुमाल, अरे रे छोड़ गई कल तू मेरे पास प्यार का रुमाल। पापा, मुझे नौकरी मिल गई है, ये सुनने पर कैसा लगता है? आप सब भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब मेरे बेटे ने कहा पापा मैंने हजारों लोगों को नौकरी दी, तो जो खुशी होती है वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे जन्मदिन का तोहफा सिर्फ ये हजारों नौकरियां नहीं है, हजारों परिवारों की खुशियां हैं, हजारों परिवारों को जोड़ने का पुण्य है। वेलकम टू द फैमिली ऑफ पीपल मार्ट। On this happy note, I would like to announce
that People Mart will have its new CEO from the 1st of April. आनंद, कुछ दिन पहले जेपी मुझसे मिला था। पापा, आप उससे डर रहे हैं क्या? उसके बारे में तू नहीं जानता। पापा, जेपी से मैं बात करता हूँ। जहाँ उसकी नजर पड़ती है, कुछ सुनाई नहीं देता। जाने दीजिए। इस मसले को सुलझाने के लिए एक इंसान है जिसे हम दोनों जानते हैं। उससे बात करूँ? मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे लिए स्वामी सही है, आनंद मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मैं उसे ना कह देती हूँ। खत्म कर दूंगा उस स्वामी के बच्चे को, मेरी बेटी उस गंवार के घर नहीं भेजूंगा। पैसे ले, उसे मार कर मुझे फोन करना। क्या मर्डर करना है? इस टाइम मेरा भेजा मत घुमा, नहीं तो 10 लाख देकर तेरी भी सुपारी दे दूंगा, समझे? 10,000 तो बढ़ा नहीं सकते, 10 लाख की बात कर रहे हो। 5,000 तो बढ़ाओ। चल, उसे मार कर मुझे फोन करना। चलो रे, जाते वक्त मेरा कमीशन देके जाना। तू चल। सर, कुछ देर मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। नो, कुछ देर काम नहीं चलेगा। एक घंटे तक कोई डिस्टरबेंस नहीं। गुड मॉर्निंग चक्रवर्ती जी। विद इन दैट 1 आवर आई विल फिनिश द गेम। नया सीईओ अनाउंस करने वाले हो, बेटा है? जेपी, तुम उससे दूर रहोगे, बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। अच्छा, अरे बोलो बोलो। देखो, ये कंपनी मेरे जीते जी किसी और के हाथों में नहीं जाएगी। जिस बकरे का सिर तलवार के नीचे हो, उसकी माँ खैर कैसे मनाएगी चक्रवर्ती? क्या है ना, मैंने डिसाइड कर लिया, ये कंपनी मेरी होने के बाद ही तुम्हें इजाजत दूंगा ऊपर जाने की। प्लान एकदम सिंपल है चक्रवर्ती, आज किसी ना किसी को तो मरना ही होगा। हाय प्रणवी, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। तेरा बेटा घर जा रहा है ना, मेरा बेटा उसे मार देगा। सच में तुम्हारे बेटे ने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया? अरे रे, अथर तैयार हो? रेडी डैडी। इज रेडी, लेट द फन बिगिन। मूव। इसको मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेजने की क्या जरूरत थी डैडी? लगता है इसे बर्थडे पर चूड़ियां मिलती होंगी। टपका दिया? एक मिनट के अंदर काम हो जाएगा। अरे, उसको मारने से पहले फोन क्यों किया? तुझे चलो रे। से सिर्फ 10 सेकंड्स दूर है बच्चों। 9, 8, 7, 6, 5 स्वामी, स्वामी हेल्प करेगा।
4, 3. बात करना है? चलो ठीक है, बेटे से बात कर लो। मैं एक महीने में मरने वाला हूँ, लेकिन एक नाकाम बिजनेसमैन बनकर नहीं जाना चाहता। मैं मान गया, तुम सही थे। ऐसे लोगों से डील करने के लिए बात करने वाला बिजनेसमैन नहीं, विरोध करने वाला कॉमन मैन ही करेक्ट है। अंकल, स्वामी, आनंद, दोनों एक ही आदमी है। स्वामी ही आनंद है। दोनों फैमिलीज का लाडला बेटा, राजा भी वही है, सैनिक भी वही है। एक आदमी, दो कैरेक्टर, दो फैमिलीज, स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती, मेरा बेटा। बेबी प्रणवी, धुलाई का वक्त शुरू हो चुका है। चल रहा है वहाँ अथर? काम हुआ कि नहीं? मारा क्यों नहीं उसे? उसने सबको मार दिया डैडी। एंड द शो बिगिंस। If I see a villain in you, you will see a hero in me. अबे मर्द की पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि छुड़ाना मुश्किल हो जाए। नाजुक कलाइयों पर तो सिर्फ चुड़िया शोभा देती है। लुक के बहुत मिले होंगे तुझे, लेकिन हीरो से पाला नहीं पड़ा होगा। मैं वो धमाका हूँ जो फटता है तो राख भी नहीं बचती। दौड़ा दौड़ा का कौन मारता है? पीछे भाग भाग कर मारना सैडिज्म है, पर दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारना हीरोइज्म है। But I'm a sadist when I'm in action. दबका दिया उसे, मारा कि नहीं उसे? सर, ये आदमी है कि वॉशिंग मशीन? सबको बहुत धो रहा है सर। अरे क्या मालिक आप, कब से मारा या नहीं, मारा या नहीं, एक तारीख आ गई, मेरा पगार ट्रांसफर किया कि नहीं? तू मेरे लिए साढ़े साथी है। मुझे बहुत लोग ऐसे ही बोलते सर। Easy, easy.
आज एक ना एक जिंदगी का अंत तो होना ही था। तेरे पापा की जान के बदले तेरी जान लेने आया था। अब तू बैटमैन निकला तो तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन तेरा बाप। बूम। अब बेटे के लिए बाप कुर्बान होगा या बाप के लिए बेटा कुर्बान होगा, ये तू चूज कर। आखिर दोनों में से एक तो चाहेगा। सर, अब उसे मार दिया सर। क्या मार दिया? जबरदस्त। मिस्टर चक्रवर्ती, सी यू अगेन। क्या किया मेरे बेटे के साथ? क्या किया मेरे बेटे के साथ? बताओ मुझे जेपी। सर, बताओ मुझे, बताओ। लेकिन तुम्हारे आने तक सीईओ चैंबर खाली हो गया। ऑफिस भी तुम्हारी पसंद का ही बनवाया है। क्या हुआ, जेट लग है क्या? क्या बात कर रहे हैं पापा, लड़की नहीं मिल रही, सब घबराए हुए हैं और आप सीईओ की बात कर रहे हैं। पहले पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करते हैं। बड़े पापा, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर दी है। एक्स्ट्रा फोर्स के लिए मैंने डीआईजी से रिक्वेस्ट की है। लड़की का पता जल्दी मिल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। विक्रम, ये सब देखने के लिए हम हैं ना, फ्लाइट से उतरकर तुम सीधे वहां क्यों चले गए? बड़े पापा, आनंद आपका एकलौता बेटा है और मेरा एकलौता भाई। मेरे घर आने से ज्यादा भैया का घर आना इंपॉर्टेंट है। अरे रे, हो रामजादे, मेरे बेटे की जान लेना चाहते हैं, कीड़े पड़ेंगे उनको। चिंता मत करो मम्मी। लेकिन स्वामी, उस मॉर्चरी में आखिर हुआ क्या था? वो मॉर्चरी वाला हॉस्पिटल चक्रवर्ती के चैरिटी से चल रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, मैंने उसे बचा लिया। तो फिर चोट को कैसे कवर किया? अगर एक बंदा डबल रोल कर सकता है तो एक छोटी सी चोट नहीं छुपा सकता क्या? बेबी प्रणवी, इधर आओ। मतलब स्वामी और आनंद अलग नहीं थे, दोनों तुम ही थे, लेकिन इधर और उधर दोनों जगह कैसे रहते हो तुम? अब तक ये बात उन दो फैमिलीज के अलावा किसी को नहीं पता, पर अभी तुम्हें सब पता होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। वासुदेव राव, मेरे पापा, जब मैं 4 साल का था, उनकी उंगली पकड़कर मेले में गया था। अचानक पापा गायब हो गए। ये बुड्ढी के बाल अच्छे होते हैं ना पापा? पापा! स्वामी! पापा! स्वामी! उस रात सड़क पर चक्रवर्ती जी ने मुझे देखकर पापा की तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले आए। वो मेरे पापा को ढूंढ रहे थे और पापा की तरह मेरा ख्याल रख रहे थे। वहां दूसरी तरफ मेरे पिताजी भी मुझे ढूंढ रहे थे। 4 साल बाद चक्रवर्ती जी को मेरे पिताजी का पता मिला। 4 साल का रिश्ता इंसान को बदल देता है। मुझे पापा के पास भेजना उनके लिए भी आसान फैसला नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी शराफत दिखाई। अगले दिन सुबह होने से पहले वो मुझसे मिलने आए थे। पिछले 4 सालों में पहली बार सोते वक्त वो हमारे साथ नहीं था, उसे देखने का मन कर रहा है। तो आप अंदर क्यों नहीं आए? वो अब हमने देखा कि
चार साल बाद वो आप दोनों के साथ सो रहा था, इसलिए आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। चार साल पहले जब ये खो गया था तब हमें जितना दुख हुआ था, चार साल उसकी देखभाल करने के बाद आपको भी उतना ही दुख हो रहा है। जितना वो हमारा बेटा है उतना ही आपका भी है। इसीलिए अब से वो एक दिन हमारे घर रहेगा और एक दिन आपके घर। अंदर रख दो। अगर आप ये सब देंगे तो मुझे लगेगा आपका बेटा मेरे घर पर है, ना कि मेरा बेटा आपके घर पर है। मेरा बेटा जैसा है वैसा ही भेजिए प्लीज। तब से मेरे एक पापा को जैसा मैं पसंद हूँ वैसा ही, और दूसरे पापा ने जैसा सिखाया वैसा हुआ। लेकिन यहाँ अलग और वहाँ अलग इंसान बनकर क्यों रहना है? जैसे यहाँ रहता है वहाँ रहा तो उस घर का गेस्ट बनेगा, पर बेटा कैसे बनेगा? नंद गोपाल चक्रवर्ती, अपने आखिरी दिनों में फेलियर बनकर नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्या प्लान किया है तुमने? सर, आपके पीए के लिए दो कैंडिडेट्स आए हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए अंदर भेज दूं? Send them inside. अब उसका बेटा तो गया ऊपर, कुछ ही दिनों में मुड्ढा भी निकल लेगा। इन एनी केस उस कंपनी को टेक ओवर करने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। एक्सक्यूज मी सर। यस। अरे रे, कैसे हैं सर? ठीक तो है ना? क्या बात है, यहाँ पगार भी मिलती और इज्जत भी। ये यहाँ कैसे? मुझे नहीं बुलाया था। ए, जरा बात सुन। थैंक यू सर, बैठे ना। दिस इज माय रेज्यूमे एंड सर्टिफिकेट्स। बहुत खुश हूँ सर, इतनी बड़ी कंपनी और आप जैसे जीनियस के सामने बैठा हूँ सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग सर। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। यस सर। विद इन 5 मिनट्स इसके बारे में सब कुछ पता करके मुझे बताओ। ओके सर। गॉट इट? यस सर। स्वामी नाम का वो आदमी पिछले 30 सालों से यहीं पर रहता है सर, उसके बारे में अच्छे से छानबीन कर ली है। वो कोई और था या कोई और है सर? सर, जो भी सवाल है जल्दी जल्दी मुझसे पूछिए ना सर, मैं बहुत प्रिपेयर होकर आया हूँ सर। बापरे, एक और फोन कॉल। सर कितने बिजी है ना। जेपी, तूने मेरे बेटे को कहीं छुपाया है या उसे मार दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन किसी एक के ना होने से पीपल मार्ट नहीं रुकेगा। जैसा मैंने कहा था, कल पीपल मार्ट का नया सीईओ आएगा। हिम्मत है तो इस बार रोक ले। सब ठीक है ना? ओके। हाँ। ओके ओके, स्टार्ट करें सर। अगर आप ये जॉब मुझे देंगे तो मेरा परिवार आपका एहसान मंद रहेगा और इसका भी। अगर ये जॉब तुम्हें दे दूं सर तो तुम कुछ भी करोगे? आप फोड़ दूं? अरे नहीं नहीं। मेरी बहन की शादी में 50-75 लाख का खर्चा आप करेंगे ना सर प्लीज? सर आप पलटेंगे तो नहीं ना? बचपन में सिर्फ ऐसी गन से पिचकारी निकलती थी। बच गया। स्वामी, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। सैलरी 2 लाख पर मंथ। सर। एम्प्लॉय तुम इस कंपनी के हो स्वामी, लेकिन काम करोगे पीपल मार्ट के सीईओ बनकर। पगार सिर्फ यहाँ से लूँ या वहाँ से भी ले सकता हूँ, चक्कर क्या है सर? सॉरी सर। पीपल मार्ट का होने वाला सीईओ एग्जैक्टली तुम्हारी तरह दिखता था। उसे हाल ही में किसी ने मार दिया। उसकी जगह अब नए सीईओ तुम बनोगे और मेरे लिए काम करोगे। वहां जाकर आपका काम करना ये तो गलत है ना? किसी पराए के लिए गलत करना गलत है, लेकिन अपनों के लिए गलत करना पूरी तरह
जायज है। ये त्रिविक्रम आपका कुछ लगता है? हाँ सर। ओके सर, मैं जाऊंगा। टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू साइन एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, तो उसके लिए तुम तैयार रहना। सो आई विल पिक यू अप फ्रॉम योर होम। ओके ओके सर, आप खुद मुझे इस तरह ले जाकर पीपल मार्ट का सीईओ बना रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आपके आशीर्वाद से सीईओ बन रहा हूँ, इस बात का नशा ही कुछ और है। कल से आप यहाँ पर और मैं वहां पर, दुनिया हिला देंगे। बीस हजार करोड़ ऑफर किए थे लेकिन वो चक्रवर्ती नहीं माना। अब सिर्फ 2 लाख रुपए में उसकी कंपनी मेरे कब्जे में होगी। कौड़ियों के दाम। वो क्या? हमारे लिए है ना? हमारे लिए है। इस मोहल्ले में किसी को नौकरी भी मिली ना तो उसे सब हीरो समझते हैं, लेकिन ये तो कंपनी के सीईओ बन रहे हैं, फिर तो जश्न भी तो उतना ही धूमधाम से होगा ना। देखो एंटरटेनमेंट वाला आ गया, आके ये सारे सेंटर में छा गया। ओ देखो एंटरटेनमेंट वाला आ गया, आके ये सारे सेंटर में छा गया। बॉडी लोकल माइंड ग्लोबल, ये तो है जनता का मॉडल। बोलो 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 चारों ओर से, बोलो 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 जरा जोर से। आया मास मास राजा, ये बजा देगा सबका बैंड बाजा। ये तो मास मास राजा, जरा उठा के मार बैंड बाजा। भाई भाई ये आपका कोट। चलिए
सर 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 बहुत नर्वस हूँ, इतने लोगों के सामने कैसे बात करूँ सर। वो यू कैन डू इट। आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन है। यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज की पूरी टीम तुम्हारी स्पीच सुनकर कुछ सीखना चाहती है। उनके सामने थोड़ा भाषण देके सीधा मेरे पास आ जाना। कंपनी के सारे शेयर्स और असेट्स हमारे नाम पर करने के ये कागज हैं। जल्दी से साइन करो इस बार। विटनेस के तौर पर हमने हाईकोर्ट से लॉयर भी बुलाया है। साइन करते ही गेम ओवर। सर 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 बचपन से स्टेज फियर है सर, भाषण देना थोड़ा मुश्किल है। आप कहो तो अभी साइन कर देता हूँ। वापस आकर साइन कर लेना। छोटी सी स्पीच है, जस्ट टू लाइंस। दो लाइन कह रहे हो या तो पांच लाइनें लिखी है। पढ़। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबके साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ा टेंशन में हूँ सर, रट्टा मार कर आता हूँ। टू मिनट्स। एक लाइन याद हो गई है, बाकी की चार कर लेता हूँ। मैं रेडी हूँ सर, याद हो गया। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का स्वागत, सुस्वागतम। आपके साथ मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। आपका अपना विवेक आनंद चक्रवर्ती। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। वेरी गुड। थैंक यू सर। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। मुझे आशीर्वाद चाहिए सर। इतना गधा भी कोई कैसे हो सकता है? मैं भी सेम टू सेम सोच रहा हूँ सर। चलो जाओ जल्दी। चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो। इनवाइटिंग द न्यू सीईओ ऑफ पीपल मार्ट ऑन द स्टेज। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का स्वागत, सुस्वागत हो। आपके साथ मिलकर मैं इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। आपका अपना विवेक आनंद चक्रवर्ती। विवेक आनंद चक्रवर्ती। साथियों, मेरा एक सपना है इस पीपल मार्ट कंपनी में आगे एक भी एम्प्लॉय ना बचे। ए, क्या पके जा रहा है? मेरे पापा ने यह कंपनी 10 लोगों के साथ शुरू की थी। पहले 6 महीने में पगार नहीं मिली और ना ही मांगी। कंपनी शुरू होने के 2 साल के बाद भी कंपनी पूरी तरह लॉस में थी। तब 9 महीने किसी को पगार नहीं दी, किसी ने मांगी भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि आप सब इस कंपनी को अपनी कंपनी मानते हैं। लेकिन सिर्फ आप ऐसा सोचें तो ये काफी है क्या? हमें भी तो सोचना चाहिए। 10 लोगों से कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज इसमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं। आप तब भी खुद को एम्प्लॉयज समझते थे, आज भी समझते हैं। ये बोल क्या रहा है? इसीलिए पीपल मार्ट कंपनी का नया सीईओ नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा। सीईओ के हिस्से के शेयर्स में से 50% शेयर्स मैं चैरिटी में दूंगा और बचे हुए 50% शेयर्स सीईओ से लेकर वॉचमैन और वर्कर सबके बीच बिना भेदभाव के बराबरी में बटेगा। कल से हमारी इस कंपनी में एक भी एम्प्लॉय नहीं रहेगा, सबके सब मालिक बन जाएंगे। हमारी कंपनी होगी सिर्फ ओनर्स की कंपनी, पीपल मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। शेयर ट्रांसफर करने की सारी फॉर्मेलिटीज जल्द ही पूरी होगी और आप ओनर्स होंगे। बाबा, यही आपका सपना था ना? हम सब एक बड़ा परिवार बन जाएंगे। तुम्हें मारना चाहता था ना वो? उस जेपी और उसके बेटे को अच्छा सबक सिखाया तुमने। यही तो अपना काम है, इसीलिए अपने फैंस का फेवरेट हूँ। कोई और भी है जिसने मेरा जीना हराम किया है, सांस लेना मुश्किल कर रखा है। कौन है? तेरा बापू। कल एक परफॉर्मेंस तेरे घर पर होगा, सीन शुरू होते ही इमोशनल होना। तुम्हारा पति परमेश्वर के पास गया, अब हम क्या करें? उसकी इच्छा सब होता है हमारे अच्छे के लिए होता है बेटी। लेकिन आपको जब से मिला हूँ मेरे साथ सब बुरा ही हो रहा है।
प्यारों की सिर्फ एक महीना हुआ था, कितना रोगी? जब पता चलेगा आपने सुपारी दी थी तब क्या होगा? मुंह बंद रख अपना। ओके ओके ओके। अरे बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, एक पिता यही सपना देखता है ना। काश मेरे पिताजी को भी यही सपना हुआ होता। 10 लाख देकर इसकी भी सुपारी देता हूँ, पनौती तो चली जाएगी सर से। मम्मी जी है ना सर? तेरी मम्मी तो नहीं है ना? एक मौका मिलने दे मुझे। रहने दो मालिक, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे चांस कहाँ मिलता है, लेकिन हर शादीशुदा मर्द करना तो यही चाहता है। अगर बीवी को मारना गुनाह नहीं होता ना, तो इंडिया में शादी से ज्यादा मर्डर्स होते हैं। वो रहने दो, पहले ये सोचिए कि लड़की को आनंद से शादी करवाने के लिए कैसे राजी करें। वही सोच रहा था यार। अंकल। हाय आनंद। आनंद? हाँ अंकल। आप हमारे घर पे कैसे? प्रणवी का जिससे टाका भिड़ा था, सुना है किसी ने उसे टपका दिया। आपको कैसे पता चला? पार्ट टाइम मैं खबरी का भी काम करता हूँ अंकल। किसने मरवाया मालूम है? गड़े मुर्दे उखाड़ना आप लोगों का खानदानी पेशा है क्या अंकल? सर ये तो पहचान गए सर। ये चुप रहे छोड़ दो उसे, उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। हेलो, मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढो भाई, मालिक ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। कितना कमीना है रे तू, गाड़ दूंगा तुझे। अंकल जो हो गया उसे भूल जाइए, आपकी बेटी प्रणवी से शादी करने में मुझे ऐतराज नहीं, चाहो तो दहेज मुझसे ले लो। मेरे घर आके आपने ये बता दिया, मेरी तो जिंदगी बन गई। तो कार छाप दूं? छाप दो। मैं आपको जिंदगी का सत्य बताना चाहता हूँ। बताओ बताओ। जब कभी आपको मर्डर करने की खुजली हो तो फोटो मत दिखाओ, जिसको मारना है उसके पास डायरेक्ट पहुंच जाओ, वरना लफड़ा हो जाता है। कैसा लफड़ा? स्वामी समझकर आपने आनंद को मार दिया, हो गया ना लफड़ा। मतलब जो मर गया वो आपकी बेटी का होने वाला पति। और तुम? मैं आपका होने वाला दामाद। हाँ। स्वामी हो ना? हाँ बेबी, कम क्लोजर। ससुर जी, आपने आनंद को मरवा कर उसकी लाश गांधी हॉस्पिटल में छुपा दी। अगर ये बात मैं चक्रवर्ती साहब को बता दूं तो क्या होगा? बेटा, ऐसे खतरनाक फैसले बिना बताए मत करना बेटा। तो फिर जल्दी बताओ, अपनी बेटी की शादी मुझसे कब करवाओगे? मेरी बेटी की शादी तुमसे क्यों करवाऊं? पीपल मार्ट कंपनी के नए सीईओ के साथ भी नहीं? पंडित जी को अभी बुलवा लेता हूँ बेटा। मान क्यों गए? सीईओ जो बन गए। हटा सावन की घटा, महापापी कलेशी, देखते ही तेरी शक्ल बढ़ने लगता है मेरा बीपी। गुंडालो भी बड़ी लोमड़ी, मार दूं तुझे तो होंगे सब काफी हैप्पी। इसलिए थी तेरी जीप, कहा था मुझे गरीब, नहीं आने दिया करीब, बर्ताव था अजीब। क्यों मेरी जानू को घर बिठा कर फोड़ा मेरा नसीब। हे गुरुदेव, सठिया गया था बुढ़ा, स्क्रू हो गया था ढिल्ला, आप भी कहाँ लेकर बैठ गई है मुद्दा। लौट आई है बुद्धि, मत तोड़ना मेरी हड्डी, सीख गया बड़ी जल्दी, माफ कर दो मेरी गलतियाँ। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, तुम मूर्ख हो साबित करो और मेरा ईगो सेटिस्फाई करो, तब मैं शादी के बारे में सोचूंगा। ये आइडिया अच्छा लगा। मैं हूँ चूहे की टट्टी करे गीदड़ भी मुझसे कट्टी, मकड़ी से भी मेरी फटती, उड़ जाए बैटिंग में डंडा, करूँ बॉलिंग भी गंदा, हूँ फील्डर भी मंदा, दुनिया के सारे निठल्लों का हूँ मैं चेला। बट रही थी अकल तब छुपा ली शकल, आपका दिमाग है फेरारी, मेरा है पैदल। मैं आपकी चीख आदमी चिल्लर की भीख, पैशन पेपर हूँ लीक, आप कबाब में सीख, आप लेदर की महंगी बेल्ट में निकर का नाड़ा, आप लगाठी। हो गया मना के, खुल गई है आंखें, अब तो शुरू कीजिए शादी की बातें। अब मेरी सुन, क्योंकि तेरी बेटी है सुंदर, बेटी का पापा बंदर एक नंबर, क्योंकि तेरी बेटी है सुंदर, पापा बंदर एक नंबर, करवा दे छोरी ना लगन कमिंग दिसंबर। निकलो, अगर अब से तुमने सुपारी दी। सुपारी खाऊंगा लेकिन दूंगा नहीं। कोई और खेल खेलने की कोशिश करोगे? सिर्फ तुम्हारे बच्चों के साथ खेलूंगा। तथास्तु। धन्यवाद सर। अथर्व सर आपसे मिलने के लिए ऊपर आ रहे हैं। ये तो डायरेक्टली ऊपर आ रहा है, क्या बोलोगे तुम? कहीं पर छुप जाओ ना। तू आनंद है ना? आनंद नहीं, विवेकानंद चक्रवर्ती। तुम्हारा इस कंपनी को हड़पने का प्लान है ना, तो बस सपने सजाते रहो। मेरे होते हुए तो इस कंपनी की चाबी तो क्या, कीचेन को भी हाथ नहीं लगा पाएगा। ए, मुझे एक्टिंग में चांस मिल सकता है ना? मैं तेरा स्वामी हूँ, पहचाना नहीं?
मैं वही डुप्लीकेट बंदा हूँ जिसको आपने हॉट सीट दी है। स्वामी हूँ सर। तुझे क्या करने बोला था और तूने क्या किया? मैंने क्या गलत किया? कुछ भी बोल रहे हो। स्टेज पर एक आर्टिस्ट गलती कर सकता है लेकिन वो अपने साथियों के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। मजा हुआ खिलाड़ी है, सारे डायलॉग्स तो खुद ही बोल रहा है। तुझे डायलॉग नहीं मिल रहा इसलिए जल रहा है क्या? चार शब्द के नाम पर माइक पर चार पन्ने रख दिए थे। पर अपन भी भाड़ू कलाकार है, ऑडियंस को देखते ही एक्टर जाग गया, वो भी विद एक्शन, विद इमोशन, विद मॉड्यूलेशन। अगर मैंने भाड़ू एक्टिंग नहीं की होती तो भांडा फूटता ना। सर, लगता है आनंद का स्पीच गलती से इसने पढ़ लिया है। मेरी बात सुनो। पहले आप मेरी बात सुनो। मुझे उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना जिसे डायरेक्शन नहीं आता। मैं जा रहा हूँ, नहीं करनी मुझे एक्टिंग। मम्मी रुक जाओ। दरअसल वो तुमने रुकने कहा इसलिए नहीं रुका, मुझे कुछ कहना इसीलिए रुका। आप भगवान है सर। फोन के डीपी पे आपके बाप की फोटो है और हाथ में जो अंगूठी पहनी है ना उसमें आपका अल्फाबेट है। मेरा बस चले तो आपके नाम का स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनवाऊं। आप पुरुष नहीं, महापुरुष हो। ये तो सॉरी स्वामी, तुझे गलत समझा। बता तुझे नया ऑफिस कैसा लगा? झक्कास है। वो बात नहीं, सीईओ की कुर्सी कैसी लगी? मुलायम है। मोटा गद्दा लगा है। प्योर सोल। झूठ नहीं कह रहा सर, आप चाहो तो बैठो, आजमा कर देखो। एक्चुअली तुम्हारे जैसे भोले लोग दुनिया में बहुत ही कम है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, सही पकड़े हैं सर। आखिर इतना भोला कोई कैसे हो सकता है स्वामी? पैदा होते ही नर्स ने भी यही कहा था। ओके स्वामी, मैं ट्रांसफर पेपर्स भेजता हूँ, तुम साइन कर दो। पेन पकड़ कर खड़ा रहूंगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। One minute. पता नहीं क्यों आपको फूल देने का मन किया, खास करके ये कलर, और ये आपके पापा के लिए। कैसे दिन आ गए हैं, अब तो मान है। ए विक्रम, कब आए? सुबह ही आया। ऑल गुड? पहले जेपी से निपटना पड़ेगा ना। जेपी अकेला नहीं है, इस कंपनी को कोई और भी हड़पना चाहता है। उस दिन मॉर्चरी से दो फोन किए थे। सर, सबको लग रहा है कि आनंद को जेपी के लोगों ने ही उसे मारा है सर, लेकिन असल में आपने मरवाया है, ये किसी को नहीं पता है सर। दूसरा फोन किसे किया था पता करना होगा। संजय सर, साइन करो। ये क्या है? स्वामी की सैलरी है और क्या। क्या बात है, बहुत फाड़ू लग रही हो। माय लाइफ माय रूल्स। ए, हाथ हटाओ। मेरा हाथ, मेरी मर्जी। ये बात मैं अपने पति को बता दूं क्या? वो कौन है? आनंद। क्या तुम्हारा वो लल्लू तुम्हें कसकर पकड़ सकता है? ऐसे किस कर सकता है? क्या वो मेरे जितना वाइल्ड है? नहीं है शायद, लेकिन मैं काफी वाइल्ड हूँ। आधे में मत छोड़ो, क्लाइमेक्स बताओ। मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारा हाथ अब तक सिर्फ कमर पर ही क्यों है। बहुत तेज हो, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा वाइल्ड हो। तभी तो जोड़ी जमेगी। इश्क वो जादू जो सब पे चल जाता है, जब ये होता है बड़ा तड़पाता है, मन बहकाता है, जिया धड़काता है। तुझे देखूं तो दिल मेरा करता है, तुझे देखूं तो दिल मेरा करता है, तुझे देखूं तो दिल मेरा करता है, तुझे देखूं तो दिल मेरा करता है।
दिल में डीजे, दिल में डीजे, डीजे बजता है, दिल में डीजे, डीजे बजता है। घूमेगी तो तू भी घूमेगा ना, जब मेरी जवानी झूमेगी झूमेगा ना, मेरी बाहों के झूले में झूला, झूलेगी ना झूलेगी ना, मेरे प्यार में सारी दुनिया को भूलेगी ना, तेरे पहलू में जो मैं आई भूल जाएगा सारी खुदाई, जब मैं तेरी जुल्फों से खेलूं तेरी गालों की मक्खी ले लूं, दिल में डीजे, दिल में डीजे, दिल में डीजे, डीजे बजता है, दिल में डीजे, डीजे। माइकल के सामने वो पैनिक हो गया था और आनंद के प्रॉमिसेस बक दिए, कल रात तक अपना काम हो जाएगा। और आपको एक बात पता है क्या, कि आपके लिए उसने फूल भी भेजा है। आक्रमण करते वक्त संभल कर रहना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए। उसकी आइडेंटिटी परफेक्ट ही है सर, वो अलग या अलग है सर। राजा भले ही अंधा हो सकता है, सेनापति नहीं हो सकता। खबर की जांच ठीक से करनी चाहिए, सिर्फ सुनकर नहीं बोलना चाहिए। सामने शेर है या लोमड़ी ये बात भी ये पता नहीं कर सका, लेकिन मेरी जान नहीं जाएगी, ये मेरा साम्राज्य है। मेरी ताकत को जान लिया, मेरी कमजोरी का इस्तेमाल किया, मुझे मात देने के लिए मुझे चुनौती देता है, उस स्वामी को नहीं छोड़ूंगा।
सॉरी भाई, आपको लगी तो नहीं, माफ करना, मैंने देखा नहीं। बेटी को चक्रवर्ती जी की बहू बना रहा था, इसलिए स्वामी को बेटा बना दिया। मैं अपनी बेटी की भलाई चाहता था, लॉटरी तो स्वामी को लग गई। आपने दामाद को मारकर आपने अपने बाप को उसकी जगह पर खड़ा कर दिया। एक गुच्छा मारूंगा, कोमा में जाएगा। आपके साथ रहने से तो वही बेहतर है। पापा, आप गेस्ट को संभालिए, ओके? इसे मैं देखता हूँ। ओके, इट्स ओके। चलिए, संभाल के। अरे आइए आइए सर, सही टाइम पर आया हूँ। hey, उनको शेयर्स क्यों बांट रहा है? तूने इन्फॉर्मेशन दी हमको? इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ, और दौलत दी नहीं जाती, इसीलिए इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया है। क्या मतलब है इसका? मुझे 2 लाख की मूंगफली खिलाकर खुद 2 करोड़ की मलाई खाना चाहते हो? प्लान तो आपका बहुत भारू था, लेकिन 2 लाख के बदले मैं आपको 10 करोड़ दूंगा, ये आपने कैसे सोच लिया मोटा भाई? तो ये वजह थी? मैं उस बुड्ढे के पास गया, उसे सारा मैटर बता दिया। उसने 100 करोड़ की ऑफर दी और 50% शेयर्स देने का वादा किया। अब इनकार कैसे करता? अब 100 करोड़ मिलने के बाद कंपनी पर ताला लग जाए या वो पानी के भाव बिक जाए, मेरा तो कल्याण हो गया ना। ए, तुझे मैं 200 करोड़ देता हूँ, पहले शेयर्स बांटना बंद कर। क्या कहा? 200 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए हो? बजट कम है, ऐसा क्यों बोला? मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। ये बकवास छोड़, पहले जाके उनको रोक। सर ने भी यही कहा, पहले जाके उन्हें रोको। अगर मैं ठान लूँ ना, तो तुझे मारना सीटी बजाने से आसान है। तब तो बजानी ही पड़ेगी। अब तो अपन भी अमीर है, मेरे पास भी भाड़े के टट्टू हैं। आप सिर्फ ऑर्डर दो सर। जरा रुक जा, नया टाई सूट है, नई मशीन गंदी है, इसलिए बच्चा जरा जोश में आ गया है। दिवाली के पटाखे देखे हैं ना, ये सारे वैसे ही हैं। ये कोई छोटी मोटी लवंगी नहीं, 4 रॉकेट के बराबर है। निकनेम पता है? डिस्ट्रॉयर। अगर उधर से गोली भी चली तो इधर से सैलाब आएगा। पीछे 30 लोग खड़े होते तो मैं भी इतनी बातें करता। अमावस के अंधकार को मिटाने के लिए हजारों तारे सपोर्ट करते हैं। अपन वो सूरज है जो दुनिया पे अकेले राज करता है। बस आएगा तो जल जाएगा। बॉयज रिलैक्स। ए, मजाक लग रहा है तुझे ये सब? ये बात पापा को पता चली तो पता है क्या होगा? गुंडागर्दी में भी नेपोटिज्म आ गया क्या?
तेरे बाप की फिक्र मत कर, तू क्या करेगा बता। नहीं समझा? अभी समझाता हूँ। भगवान ने इंसान को दो छेद दिए हैं, दोनों ही काम के हैं। पहला जिससे तू बकवास करता है और दूसरा जहाँ से तू हल्का होता है। दोनों एक एक हाथ से बंद कर और कट ले। अगर मैं यहाँ से गया तो तेरी लाश पे सही जाऊंगा, ये ठान के आया हूँ। जरूरत पड़ी तो चक्रवर्ती की भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा। इसकी विलनगिरी शुरू हो गई, इसकी विलनगिरी शुरू हो गई। मैंने सोचा था ये डील बिना मारपीट के हो जाएगी। सुन पोपट, तू पार्ट टाइम डीजे का भी काम करता है ना? पपलू ठुमका लगाए। बॉयज एंड गर्ल्स, पुट योर शूज ऑन, रेज द वॉल्यूम, लेट्स डांस ऑन सम मैड स्टफ। ए, चल जल्दी से मेरा वाला गाना बज जा। सारी में आली आली कानों में पहने बाली, होठों पे सुर्ख वाली, घुंघराले बाल वाली, कहे ऐसी वैसी लड़की नहीं मैं हूँ बाबू, पल्सर बाइक पे तू आजा राजा, कहे ऐसी वैसी लड़की नहीं मैं हूँ बाबू, पल्सर बाइक पे तू आजा राजा। कॉलेज टाइम जब आंख मार के बुलाओ, उसको इशारे देके आंख लाल करके घूर वो, कहे ऐसी वैसी लड़की नहीं मैं हूँ बाबू, मुझे हल्के में नहीं लेना राजा, कहे ऐसी वैसी लड़की नहीं मैं हूँ बाबू, मुझे हल्के में नहीं लेना राजा। गया उसके पीछे पीछे, मोगरे का फूल लेके हाथों से मुझको खींच तू, कहे ऐसी वैसी लड़की नहीं मैं हूँ बाबू, तेरे जैसे 56 आए राजा, कहे ऐसी वैसी लड़की नहीं मैं हूँ बाबू, तेरे जैसे 56 आए राजा, अरे ऐसी वैसी लड़की नहीं मैं हूँ बाबू, पल्सर बाइक पे तू आज राजा, अरे ऐसी वैसी लड़की नहीं मैं हूँ बाबू, पल्सर बाइक पे तू आज राजा। ये स्वामी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो स्वामी नहीं बल्कि आनंद है। जब हजारों करोड़ की कंपनी उसकी हो सकती है, फिर 100 करोड़ के चिल्लर के लिए वो ऐसा क्यों करेगा? वो आनंद ही है। मैं ये अपने बेटे के लिए कर रहा हूं और वो ये सब अपने बाप के लिए कर रहा है। डैड, अब अगला कदम क्या होगा? तुम्हारे बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट हो गई क्या? वो छोड़िए ना डैड। तुम्हारे बर्थडे पर वो कंपनी में तुम्हें तोहफे में देने वाला था। पीपल मार्ट के सीईओ का बर्थडे है, पार्टी तो बनती है। तुम जाके उसकी तैयारी करो, बाकी सब मैं संभालूंगा। जाओ। कौन है ये स्वामी? कौन है बताओ? हेलो आनंद, जेपी है। स्वामी से जरा बात कर सकता हूँ? बोलो। स्वामी, मुझे हारने से ज्यादा मेरे साथ जो धोखा हुआ ना, उस बात का दुख है यार। एक आदमी दो घरों में पला बढ़ा होगा, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना। तुम्हारा खेल तो कमाल का था, लेकिन अब एक खेल मुझे भी खेलना है। तुम्हारे पापा का नाम वासुदेव राव है ना? बचपन में कभी पापा से मार खाई है तुमने? छोड़ो इस बात को, कभी अपने पापा को मार खाते देखा है क्या तुमने? नहीं, नहीं देखा ना। इस बात का अगर लुत्फ उठाना चाहते हो तो लाइव एंड एक्सक्लूसिव कवरेज चालू है पुलिस स्टेशन में। अरे बेचारा,
एक चोर की तरह वहां मार खा रहा है। जो वो है तेरा अपना बाप। हेलो स्वामी, मुझे जरा आनंद से बात करनी है। बोलो। अबे सुन, तुझे पता है दो दो बाप दो दो माए, दो परिवार का प्यार कैसा होता है, दुगना दर्द कैसा होता है, ये तुझे अब पता चलेगा। तेरे घर में एक नर्स रखी गई है, उसके हाथ में इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन तेरे दूसरे बाप को नहीं दिया तो नर्स जिंदा नहीं बचेगी। अगर इंजेक्शन दे दिया तो तेरा बाप नहीं बचेगा। अरे जल्दी भाग, वो शहर काफी तेजी से फैल जाता है। स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती कहाँ हो? चक्रवर्ती को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। उस रास्ते तुझे रोकने के लिए 100 लोग खड़े हैं। एक काम कर, वहां से राइट ले ले, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और अगर स्ट्रेट जाएगा तो 500 मीटर पर स्मशान घाट है। कितना भी घूम फिर लो, आखिर मंजिल तो वही है। सीधा जाना ही बेहतर होगा। अगर तेरा सेटलमेंट करने का मूड है तो मैं पुलिस स्टेशन में कागजात के साथ तेरा वेट कर रहा हूँ। चुपचाप कागजात पे साइन कर दे और तेरी कंपनी मेरे हवाले कर दे। तब तेरे दोनों बापों को जिंदा रखना नहीं रखना ये हम सोच लेंगे। बेटा क्या हुआ? ठीक तो हो जाएंगे ना? जैसे गुंडों को आपने इज्जत दी, ऐसे मौके पर भी काम ना आए तो क्या फायदा? आप जाइए सर, पापा जी को हम संभाल लेंगे। अगर हमारे खिलाफ 100 लोग खड़े हैं तो हमारे साथ हजारों लोग हैं। सर show me a hero in you, you will see a wild villain in me. Ha!
जब तूने मेरी फैमिली को टच किया था तभी ऊपर वाले ने तेरी मौत का ओटीपी भेज दिया। स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती, योर वन टाइम पासवर्ड। बहुत दिन एंजॉय कर लिया, नाउ इट्स माय टाइम। आनंद, डोंट डू दिस, गिव मी द कीज, प्लीज गिव मी द कीज। उसे शूट करके कीज लेकर आओ। हेलो डीजीपी सर, सही समय पे आपका फोन आया। यहाँ थाने में आके कोई मुझे मार रहा है सर। मुझे बचाने के लिए कोई टीम भेजिए सर। कौन है वो? लगता है कोई स्लम डॉग है, दो कौड़ी का मिडिल क्लास आदमी है। स्लम डॉग नहीं है वो, तुम नहीं जानते कि वो पीपल मार्ट कंपनी का सीईओ है। देखो कब कौन क्या बन जाए कोई भी नहीं बता सकता, इसीलिए तुम पैसों की नहीं इंसानों की इज्जत करना सीखो। आनंद, आनंद मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। देखो देखो उसकी क्या हालत हो गई है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मैं दो माँ दो पापा और दो परिवारों का प्यार जानता था। दो परिवारों का दर्द क्या होता है वो तूने मुझे बताया। अगर सब कुछ डबल डबल है तो बदला भी डबल होगा, इतना तो हक बनता है। संजय मार दे। आनंद एक बात है जो तू नहीं जानता, मान ले अगर मैं नहीं भी रहा फिर भी पीपल मार्ट पर एक विलन गिद्ध की तरह मंडरा रहा होगा। उसका काम तमाम मेरा भाई विक्रम चक्रवर्ती। आखिरी ट्विस्ट तू भी नहीं जानता, मेन विलन वही है, तेरी वाली प्लानिंग भी उसी ने की थी। विक्रम मुझे मारकर सीईओ बनते ही एम्प्लॉयज की नजर में मैं विलन बन जाता और तेरे जैसे आदमी को मारकर हीरो बन जाता। तुम आनंद को कब टपकाओगे? मेरे बेटे को कब सीईओ बनाओगे? कितने दिनों से वेट कर रहा हूं मैं, उस सीईओ की जगह पर आनंद नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा होना चाहिए। इस खेल का असली कच्चा नींबू तो तू ही है जेपी। अभी मैं ये सब तुझे क्यों बता रहा हूं पता है? टाइम पास कर रहा हूं ताकि तेरे बेटे को मार सकूं। अगर तू कहेगा तो तेरी कंपनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। आई प्रॉमिस यू। डैड उसे छोड़ दे प्लीज। तुम दोनों को मारने के लिए एक मिनट ही काफी है। 10 लोगों को मारना गुंडागर्दी, 10 लोगों को नौकरी देना बिजनेस। मैं बिजनेसमैन हूं जेपी, गुंडा नहीं।
पापा चलिए। भैया बड़े पापा को कुछ नहीं होगा, ही विल बी फाइन। जब तक तुम हो उन्हें और कंपनी को कुछ नहीं होगा। ये देखिए सर, यहां पे सारे पेपर्स हैं ना? सारे हैं सर। ये सीईओ का रेजिग्नेशन लेटर, ये नए सीईओ के सिग्नेचर्स और पेपर्स, इसमें कंपनी पासवर्ड्स और सिक्योरिटी सीक्रेट्स हैं, इसमें है शेयर्स और चैरिटी डिटेल्स। ये सब मेरे पास थे, इसलिए तेरे अंदर का विलन जागा। तुम्हारे बड़े पापा ने जिस विक्रम को पाल पोस के बड़ा किया वो उन्हें वापस मिलेगा? ये वो विक्रम नहीं जो मेरे सामने है, जिसे चक्रवर्ती जी जानते हैं, वो उनसे मिलने आएगा। आनंद पापा, जेपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब कंपनी का सीईओ बनने के लिए मुझे लगता है विक्रम काबिल है। क्या यह सच है? आनंद क्या कह रहा है? जिसने तुम्हें पाला पोसा वो तुम्हें मना नहीं पाया, लेकिन आनंद ने तुम्हें मना लिया। आनंद इस घर का बेटा तो जरूर है, लेकिन वारिस नहीं है। मेरी जगह तुम्हें खड़ा करने के लिए तुम्हें दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजकर तुमसे मास्टर्स करवाया। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो हमने सोचा तुम्हें बुलाकर सीईओ बना दे, इतने में जेपी की प्रॉब्लम पैदा हो गई, और ऐसे वक्त पर तुम्हें सीईओ बनाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सीईओ बनकर आगे आया। क्यों पता है? ताकि साइन करते वक्त तुम्हें इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखनी चाहिए। सिंहासन पर बैठने का मौका होते हुए भी सिपाही की तरह सबसे पहले डट कर खड़ा था, ऐसा इंसान कहां मिलता है? कहते हैं कि मरने से एक पल पहले जिंदगी में क्या हासिल किया याद आता है। मेरी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, हजारों लोगों को दी हुई नौकरियां, मेरी PhD, मेरा पद्मश्री, सब कुछ फीका है इसके सामने। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन भगवान उन्हें माता पिता होने का सुनहरा अवसर देते हैं। मेरा बेटा बनने के लिए, पापा कहने के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू। I lived successfully. Now I will die successfully. पापा। सॉरी भैया। भाई सॉरी नहीं कहते, गले लगते हैं। एक किलो मेथी कितने की दी? मेथी किलो में नहीं, गुच्छे में लेनी पड़ती। कैम चा मम्मी, पुदीना अदरक की शॉपिंग चल रही है। लो लो लो। पापा जॉब मिल गई। शाबाश बचूड़ा। फ्रेश होकर आता हूँ। आनंद, सुब्रमण्यम जी का बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया है, वो जॉब मांग रहा है। ओके, बुला लीजिए, वैकेंसी है। अरे वाह। हेलो। ओहो, चाय लाई हो, मीठी है ना तुम्हारी तरह। अच्छा सुनो, तुम इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ थे तो फिर स्वामी को जॉब मिलने में इतना टाइम क्यों लग गया? रोज किसको फुर्सत थी, महीने के सिर्फ 15 दिन जा सकता था, बाकी तुम्हारे लिए। सर जी, आपकी बेटी को अच्छा परिवार मिला है, कल अगर उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद आपका क्या होगा? सर क्या होने वाला है? प्रणवी की शादी के बाद तेरी मालकिन और मैं दोनों अकेले रहने वाले घर पर, उसके हाथों तो मरना ही, और तू मेरी बेइज्जती ना करे इसलिए तेरे को भी मारना है, बस यही काम बचे हैं। मुझे मारने का प्लान है क्या? आपको क्या एक ही जो कहता है क्या? एक बार मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मैं रुकता नहीं हूँ। खराब होंगे। तूने मेरे को येड़ा समझ के रखा है क्या? ऐसा शक तो मुझे पहले से है, एक बार टेस्ट करवा ले क्या? अरे तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे। नहीं, पैस लेकर आइए, ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। और ससुर जी, इसे महीने का कितना देते हो? 25,000। आप महापुरुष हो जो पैसे देकर गाली खाते हो। नसीब को कौन बदल सकता है? तुझे देखूं तो दिल मेरा करता है, तुझे देखूं तो दिल मेरा करता है, देखूं तो दिल मेरा करता है, तुझे देखूं तो दिल मेरा करता है।
डीजे बजता है, डीजे है डीजे।